डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश क्लास। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट नैरेटिव पोएम्स। शेक्सपियर ने दो नैरेटिव पोएम्स कंपोज्ड की थी, विच वर कंपोज्ड इन 1593 एंड 1594। तो ये उनकी दो पोइम्स थी। तो आज की वीडियो में हम लोग वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूक्रिस, इन दो पोइम्स को कवर करेंगे। वीनस एंड एडोनिस ये शेक्सपियर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम है और बहुत लेंथी पोइम है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वीनस एंड एडोनिस। विलियम शेक्सपियर जो कि एक बहुत महान ड्रामेटिस्ट थे, इन्होंने वीनस एंड एडोनिस ये पोएम कंपोज की थी 1593 में। ये सॉरी गलत हो गया था, 1594 लिख गया था। और इट इज अ नैरेटिव पोएम कंपोज बाय विलियम शेक्सपियर। ये एक विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज की गई नैरेटिव पोएम है। इट वाज डेडिकेटेड टू हेनरी रिथेसली, और ये पोएम हेनरी रिथेसली को डेडिकेट की गई थी। और हेनरी रिथेसली थे कौन? थर्ड अर्ल ऑफ साउथैम्पटन। ये थर्ड अर्ल ऑफ साउथैम्पटन थे। अर्ल किंग को बोलते हैं, राजा डचे ड्यूक कह सकते हैं। इट वाज रिटन इन 1593, ये 1593 में लिखी गई थी। 1593 में कोई एक इवेंट हुई थी, घटना घटी थी एक। वो क्या थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। इन 1593 में द आउटब्रेक ऑफ प्लेग इन लंदन एंड ऑल द थिएटर्स वर क्लोज्ड। मींस 1593 में लंदन में प्लेग की महामारी फैल गई थी, जिसके चलते हुए सभी थिएटर्स क्लोज करना पड़ गए थे। इसी पीरियड में विलियम शेक्सपियर ने का कोई ना तो नाटक जो है कोई परफॉर्म किया गया था, तो उसी पीरियड में उन्होंने ये पोएम लिखी थी। आगे देखते हैं ये जो पोएम लिखी थी इसका प्लॉट क्या था। द प्लॉट इज बेस्ड ऑन पैसेज फ्रॉम ओविड मेटामोरफोसिस। एक ओविड राइटर था, इसने लिखा था मेटामोरफोसिस। इस पर बेस्ड होके उन्होंने अपनी पोएम वीनस एंड एडोनिस कंपोज की थी। तो क्या है इसमें? वीनस एंड एडोनिस 1593 में कंपोज की है। ये एक नैरेटिव पोएम है। ये हेनरी रिथेसली को डेडिकेट की गई है। हेनरी रिथेसली थर्ड अर्ल ऑफ साउथैम्पटन है, और ये पोएम 1593 में कंपोज की गई थी। 1593 में लंदन में प्ले की महामारी फैल गई थी, जिसके चलते हुए सारे थिएटर बंद कर दिए गए थे। इसका प्लॉट ओविड ने लिखा है मेटामोरफोसिस, इस पर बेस्ड है। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। इसके आगे देखते हैं, इसके बाद देखते हैं लाइन्स एंड स्टेंजास एंड राइम स्कीम। मीन्स इसमें लाइन्स कितनी हैं, स्टेंजा कितनी हैं, और राइम स्कीम क्या है। तो वीनस एंड एडोनिस इज रिटन इन स्टेंजास ऑफ सिक्स लाइन्स सेस्टेट। मीन्स वीनस एंड एडोनिस ये जो पोएम कंपोज की गई है, इसकी हर स्टेंजा में सिक्स लाइन्स हैं। एवरी स्टेंजा हैज सिक्स लाइन्स, मतलब प्रत्येक स्टेंजा में सिक्स लाइन्स है। एंड इट कंटेन्स शेक्सपियर्स मोस्ट ग्राफिक डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। मतलब ये कह सकते हैं कि सेकेंड जो शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम्स आती है वो है द रेप ऑफ ल्यूक्रिस। ये कंपोज की थी 1594 में। तो इट इज अ नैरेटिव पोएम, ये भी एक नैरेटिव पोएम है, अबाउट द लीजेंडरी ल्यूक्रिसिया। ल्यूक्रिसिया के बारे में है ये, लेजेंडरी महानायिका कह सकते हैं। इट इज आल्सो डेडिकेटेड, ये डेडिकेट की गई है हेनरी रिथेसली थर्ड अर्ल ऑफ साउथैम्पटन। मींस जो इससे पहले वाली पोएम थी, फर्स्ट पोएम, फर्स्ट नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस, ये भी डेडिकेट की थी हेनरी रिथेसली को, जो कि थर्ड अर्ल ऑफ साउथैम्पटन थे। और ये वाली पोएम रेप ऑफ ल्यूक्रिस, ये भी हेनरी रिथेसली को डेडिकेट की गई है, हु वाज थर्ड अर्ल ऑफ साउथैम्पटन। इट्स प्लॉट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ ओविड फास्टी। मीन्स इसकी जो इसका प्लॉट है वो ओविड ने लिखा है फास्टी, और लिवी ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ रोम, इस पर बेस्ड है।
और इट हैज 47 स्टेंजास। इस पोइम में 47 स्टेंजा है, 47 स्टेंजा है। ईच स्टेंजा हैज 7 लाइन्स, और हर स्टेंजा में 7 लाइन्स हैं, जिसे 7 लाइन्स की स्टेंजा को बोलते हैं रैम रॉयल। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ये। कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है कि व्हाट इज कॉल्ड द 7 लाइन स्टेंजा, 7 लाइन की स्टेंजा को क्या बोलते हैं रैम रॉयल। अब देखते हैं इसकी रैम स्कीम। रैम स्कीम की बात की जाए तो इसकी रैम स्कीम ए बी ए बी बी सी सी, और जो इससे पहले वाली बीनस एंड एडोनिस थी उसकी रैम स्कीम क्या थी, ए बी सी सी, और इसकी ए बी बी सी सी या ए बी बी सी सी। अब देखते हैं इसका स्टेंजा के कितनी स्टेंजा हैं। स्टेंजा 47 और लाइंस इन वन स्टेंजा, प्रत्येक स्टेंजा में 7 लाइंस हैं, टोटल लाइंस 329। तो ये थी विलियम शेक्सपियर की टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट नैरेटिव पोइम्स, वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ ल्यूक्रिस, विच वर कंपोज्ड इन 1593 एंड 1594 एंड वर डेडिकेटेड टू हेनरी रिथेसली, थर्ड अर्ल ऑफ साउथैम्पटन। आई बिलीव, सॉरी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।